ले आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। वीरों को नमन कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रदेश भर से आए हुए अमृत कलश यात्रा के स्वयं सेवकों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री जयवीर सिंह जी, श्री गिरीश चंद यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, मान्य विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री अम्बरीश कुमार जी, श्रीमती जय देवी जी, विधान परिषद के मान्य सदस्यगण से मोहसिन रजा जी, रामचंद्र प्रधान जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, से बुक्कल नवाब जी, इंजीनियर अवनीश कुमार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव से दुर्गा शंकर मिश्र जी, सलाहकार से अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति से मुकेश मिश्राम जी, प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए सभी स्वयंसेवकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पावन शरद पूर्णिमा का अवसर है और देश को कालजयी रचना प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित रामायण जैसा महाकाव्य देने वाले दुनिया का आदि काव्य रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर हम इस अमृत वाटिका में अमृत कलश यात्रियों से यात्रा के जुड़े हुए सभी स्वयं सेवकों का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं प्रदेश भर से आए हुए आप सभी स्वयं सेवकों का, जिन्होंने प्रदेश के अलग अलग गांव, विकास खंडों, नगर निकायों से आकर के भारत के वीरों का वंदन करते हुए माटी को नमन किया है और उस कलश यात्रा के साथ आज आप दिल्ली के लिए प्रस्थान, कल प्रस्थान करेंगे। राजधानी लखनऊ में आगमन पर मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पहली बार पूरा देश राष्ट्रीय आयोजनों में एकजुट होकर के कैसे उन आंदोलनों का हिस्सा बनता है, उस अभियान का हिस्सा बनता है। आजादी का अमृत महोत्सव उसका एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है। हम में से किसी भी व्यक्ति ने 1947 में जब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, वह दिन नहीं देखा होगा, या जिसने देखा होगा उसको स्मरण नहीं होगा। जिसको स्मरण भी होगा तो उन कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बना होगा, क्योंकि एक ओर देश की आजादी थी, दूसरी ओर विभाजन की त्रासदी थी। लेकिन पहली बार हुआ जब हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ने का एक अभिनव पहल की और सफलतम आयोजन के साथ भारत के हर घर में भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर भारत के सभी अमर शहीदों को स्मरण करने का एक अवसर भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर, प्रत्येक जनपद में स्मारकों को सुदृढ़ीकरण करने, उनके सुंदरीकरण करने, वहां पर नमन करने का एक अवसर भी हर भारतवासी के मन में, हर भारतवासी के साथ अमृत महोत्सव के कार्यक्रम ने जोड़ा। लेकिन अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती के तट पर 21 मार्च 2021 को
जो प्रारंभ किया 15 अगस्त 2023 को, उसका एक विराट स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिला। और अब गांव गांव से, हर विकास खंड से, हर नगर निकाय से अमृत कलश में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए, एक ओर वीरों का नमन है, दूसरी ओर माटी का वंदन है। और इन सब को लेकर के अब एक कलश यात्री देश की राजधानी दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं। आज राजधानी लखनऊ में आप सब प्रदेश के सभी 75 जनपदों से, 826 विकास खंडों से आप सब आज 762 जो हमारे नगर निकाय हैं वहां से होते हुए यहां पर पहुंचे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, खासतौर पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का कार्यक्रम, काकोरी ट्रेन एक्शन का कार्यक्रम, बटेश्वर में सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जन्मभूमि के आयोजन से जुड़े हुए कार्यक्रम, और अमर शहीदों के साथ उनके स्मारकों को भव्य स्वरूप देने के साथ साथ हुए अनेक कार्यक्रमों के साथ, न केवल परंपरागत कार्यक्रमों के साथ, कलाकारों के साथ, बल्कि आधुनिकतम कार्यक्रमों के साथ, तकनीक पर आधारित कार्यक्रमों के साथ, ड्रोन शो के कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ने का अवसर आजादी के अमृत महोत्सव के इन सभी आयोजनों ने हमें दिया। भाइयों बहनों, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी के सामने पंच प्रण का एक विराट संकल्प भी दिया है। आज हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के बाद आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किए हैं। आजादी का अमृत काल का यह प्रथम वर्ष कैसे आने वाले समय में आगामी 25 वर्ष की कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में सफल होगा, इन संकल्पों के साथ हर भारतीय को जुड़ना होगा। और इसके लिए पंच प्रण प्रधानमंत्री जी ने तय किए। इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए अगर हर भारतवासी आगे बढ़ता है, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, आजादी का शताब्दी महोत्सव 100 वर्षों के कार्यों का एक ऐसा दस्तावेज हमारे सामने होगा जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत होगी, और इस बड़ी ताकत के माध्यम से मानवता के कल्याण का और विश्व कल्याण और विश्व शांति का एक नया संदेश पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को दिया जाएगा। उस संकल्प के साथ आज आप वहां आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने कुछ नए कार्यक्रमों के साथ और नई उपलब्धियां हमें न प्राप्त हुई हो। आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा किया, तब भारत उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब दुनिया के 20 बड़े देशों के वे समूह जिनका दुनिया में, दुनिया के अर्थव्यवस्था पर, दुनिया के ट्रेड पर, दुनिया की इकोनॉमी पर जिनका एक अधिकार है, G20 के उस समूह की अध्यक्षता करने का अवसर भी भारत को प्राप्त हुआ। और अभी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित G20 के समिट ने दुनिया के 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने किया। आज दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। भारत आज एक संकट मोचक के रूप में जाना जा रहा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर लोग निगाहें लगाकर देखते हैं, आशा भरी निगाहें उठती हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कुछ रास्ता निकलेगा, एक राह निकलेगी शांति की, सौहार्द की, कल्याण की।
और उस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए 142 करोड़ लोग अगर संकल्पित होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कोई कारण नहीं आने वाला कल भारत का होगा और 2047 में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन करके दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की स्थिति में होगा। इस संकल्प के साथ इस कलश यात्रा को हम लोग उत्तर प्रदेश से पूरी भव्यता के साथ, पूरी गरिमा और गौरव के साथ, पूरे अनुशासन के साथ लेकर के जाएंगे। अपनी माटी के वंदन के साथ साथ वीरों के नमन के इन कार्यक्रमों के साथ हम जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रदेश भर से आए हुए स्वयं सेवकों को, कलश यात्रियों का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश का योग्य नेतृत्व आप सबके साथ दिल्ली में इस कलश यात्रा के साथ जाकर के इस गौरवमयी उपस्थिति के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इन सभी कार्यक्रमों की उपस्थिति वहां पर लेकर आएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।